हाय दोस्तों, मैं मिलन, आप देख रहे हैं टेकी स्ट्रीट। दोस्तों, रियलमी X2 जो बजट सेगमेंट का एक प्रीमियम फ्लेक्सिप फोन है, फोन के अंदर सब कुछ दे दिया है, जैसे कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 50 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है 90 हर्ट्ज का, डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट दिया गया है और सबसे पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 855 प्लस दिया गया है। और क्या चाहिए फोन के अंदर। लेकिन फोन के अंदर कुछ डिसएडवांटेज भी है जो हम आज देखने वाले हैं। और चलिए देखते हैं फोन में क्या कुछ खास फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और हैंड्स ऑन देखते हैं और कैमरा कैसा है वो सब कुछ देखेंगे आज इसी वीडियो के अंदर। और दोस्तों, अगर एंड में वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप नए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अपडेट सबसे पहले देखने और अगला गिव अवे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगले अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो Realme X2 के रिव्यू के अंदर सबसे पहले फोन के डिजाइन से शुरू करते हैं। तो डिजाइन की बात करें तो फोन का जो पैक है वो गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है और 3D ग्लास दिया गया है। लेकिन अगर फोन का जो लुक देखे वो क्लासी दिखता है, ज्यादातर फोन के अंदर यही कॉमन डिजाइन देखने को मिलता है तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लेकिन अगर हाथ में पकड़े तो बहुत ही प्रीमियम और सॉलिड फील होता है। फोन का जो बैक देखे तो वो 3D ग्लास बैक दिया गया है और कर्व दिया गया है, यानी पकड़ने में काफी आसानी रहेगी फोन को। और जो फ्रंट और बैक है वो गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड दिया गया है और जो फ्रेम बनी हुई है वो मेटल की बनी हुई है, यानी एल्यूमिनियम की बनी हुई है। यानी पूरा मटेरियल जो यूज हुआ है फोन के अंदर वो प्रीमियम यूज हुआ है और बहुत ही प्रीमियम फोन बनाया है यहाँ पे Realme ने यही फ्लेक्सिप फोन के अंदर। फोन का जो पैक है वो ग्लास का दिया गया है लेकिन इतना स्लिपरी नहीं लगता है। शायद यहाँ पे कोई कोटिंग यूज हुआ है जिसकी वजह से फोन इतना स्लिपरी नहीं दिखता है। फोन की फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाएगी। बहुत ही सही किया है, यहाँ पे कोई पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला डिस्प्ले नहीं लगा है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको फोन लॉन्ग टर्म यूज करना है तो पॉपअप सेल्फी कैमरा शायद बिगड़ सकता है। मेरा ये मानना है, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि कंपनी इतनी अच्छी हार्डवेयर नहीं देती, लेकिन मेरा ये मानना है अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा है तो शायद अगर लॉन्ग टर्म में फोन यूज करना है तो शायद इतना अच्छा नहीं चले। तो ये सही डिसीजन है कंपनी का। अगर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा फ्लैगशिप लेवल में लेना है तो आप रियल जगह K20 Pro भी ले सकते हैं जो Redmi की तौर आता है, तो वहाँ पे आपको पॉपअप कैमरा भी मिल जाएगा। अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे बेजल्स काफ़ी पतली दी गई है और चीन है वो भी काफ़ी पतली दी गई है फ़ोन के अंदर, तो लुक काफ़ी अच्छा मिलता है, ऑलमोस्ट फुल व्यू जैसी डिस्प्ले मिल जाती है यहाँ पे। फोन के बॉटम में देखें तो यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाएगा। और यहाँ पे स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा जिसमें डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट भी है, यानी आउटपुट काफी अच्छी मिलने वाली है यहाँ पे। और जो फोन है वो वाइड वायर L1 सर्टिफाइड है, यानी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है इसी फोन के अंदर। और यहाँ पे Realme X2 Pro के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे वही डिस्प्ले लगी है, वही पैनल लगी है जो OnePlus में यूज हुई है, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, एमोलेड दी गई है तो बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले दी गई है। 6.5 इंच की फुल HD रिजोल्यूशन वाली यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगी जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगी। और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाएगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। वैसे तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमको पता, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते 60 या 90 में, लेकिन अगर आपको एनिमेशन में देखेंगे तो बहुत ही फ्लूड एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे मैं दूसरी भी बात करूँ तो यहाँ पे गेमिंग में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले को 100% मिलता है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले दी गई है। फ़ोन में ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मिलती है और व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और HDR10 को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे कलर एक्यूरेसी 100% मिलेगी क्योंकि DCI-P3 सर्टिफाइड है, यानी 100% कलर एक्यूरेसी मिलने वाली है यहाँ पे। Realme X2 के अंदर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 4 कैमरा सेंसर्स लगाए गए हैं और जहाँ पे मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, जहाँ पे डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी मिलती है और कोई भी कंडीशन में आप फोटो लो तो डिटेल्स काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इसी सेंसर के अंदर। दूसरा जो सेंसर लगा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है और सेंसर काफ़ी अच्छा है, वाइड फोटो लेते हैं 117 डिग्री की फोटो लेता है, लेकिन अगर लो लाइट में फोटो लेते हैं तो इतनी अच्छी रिजल्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। तीसरा जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जहाँ से आप 2x जूम वाली फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी डिटेल जैसे कि गायब हो जाती है। अगर डिटेल अच्छी चाहिए तो ये 2x ऑप्टिकल जूम में फोटो लेते हैं तो नहीं मिलेगी। और चौथा जो सेंसर लगाया गया है वो 2 मेगापिक्सल का लगाया गया है जो डेप्थ सेंसर है, वो पोर्ट्रेट फोटो लेने के लिए जो डिटेल अच्छी लेता है, अगर आप 64 मेगापिक्सल के फोटो लेते हो तो अच्छी डिटेल मिलती है यहाँ पे।
और ओवरऑल कैमरे की बात करें तो मेन सेंसर से अगर फोटो लेते हैं तो काफ़ी अच्छी आती है, डे टाइम में भी और आर्टिफिशियल लाइट में भी अच्छी फोटो मिल जाएगी, लेकिन जो दूसरे सेंसर्स दिए हैं वो इतने अच्छे काम नहीं करते मेरे हिसाब से। तो कैमरे की बात करें तो ओवरऑल फोटोज़ के मामले में ठीक ठाक ही मेन कैमरे से बहुत ही अच्छा आता है। अगर दूसरे वीडियो की बात करें तो यहाँ पे 4K वीडियो 60 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं और EIS का यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपको वीडियो काफ़ी स्टेबल मिलने वाली है इसी फ़ोन के अंदर। अगर आप सेकी वीडियो लेते हैं तो नहीं मिल, यानी रनिंग वीडियो लेते हैं तो इतनी सेकी नहीं मिलेगी इसके अंदर। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का F2 एपेचर का कैमरा दिया गया है, जो अगर नोच में लगाया गया है वो कैमरा भी अच्छा है, वहाँ पर भी फुल HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। Realme X2 Pro के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे Snapdragon का सबसे पावरफुल प्रोसेसर लगा है, Snapdragon 855 Plus, जो Qualcomm का अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, यानी परफॉर्मेंस में तो टासू ही होने वाला है ये फ़ोन। और रैम की बात करें तो 6 GB और 12 GB की रैम मिल जाएगी, और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे 64 GB की स्टोरेज जो बेस वेरियंट में आती है वो मिल जाएगी, UFS 2 में मिल जाएगी, और जो 128 और 256 GB की जो स्टोरेज है वो आपको UFS 3 स्टोरेज के साथ मिल जाएगी, यानी काफ़ी बटरी एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐप लॉन्चिंग का टाइम भी कम हो जाएगा और गेमिंग में भी स्मूथ मिल जाएगा, ऐप बहुत ही जल्दी से लोड होगी और इंस्टॉल होगी UFS 3। और अगर आप कैमरे से फोटोज लेते हैं तो वो भी बहुत ही जल्दी से स्टोर होते हैं, यानी 64 मेगापिक्सल यानी बहुत ही बड़ा रिजोल्यूशन होता है, उससे अगर फोटो स्टोर होती है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी कंपेयर टू UFS 2। और फ़ोन के अंदर रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा किया गया है और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है फ़ोन के अंदर, परफॉर्मेंस तो बहुत ही टासू ही मिलता है। फ़ोन में OS की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया था एक डिसएडवांटेज है, तो यही है ये डिसएडवांटेज, फ़ोन के अंदर जो OS लगी है वो कलर OS 6 की लगी है, जो बनी हुई है एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर, लेकिन ये इतनी ऑप्टिमाइज नहीं की गई है, इतनी यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है और इतनी अच्छी नहीं लगती है। अगर इसमें अपडेट आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये OS इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे Realme X2 Pro की बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है। अगर आप डे टू डे टास्क में लो से हाई एंड तक यूज़ करते हैं तो एक दिन आराम से चलेगी ये बैटरी। और यहाँ पे 855 प्लस की चिप लगी है और 7nm टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है चिप, तो बैटरी एफिशिएंट भी अच्छी होगी और बैटरी इसकी वजह से भी ज़्यादा चलती है। और दूसरी बात करें तो इसको चार्ज करने के लिए कंपनी ने लगाया है 50W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, ये बहुत ही अच्छी बात है, 0 to 135 मिनट्स में ही चार्ज हो जाता है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही एडवांटेज है इस फ़ोन के अंदर। हाँ, बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा फ़ोन गर्म ज़रूर हो जाता है, लेकिन इतना भी गर्म नहीं होता है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया, फ़ोन को कूल रखने के लिए यहाँ पे वेपर चैम्बर लगी है, जो बहुत ही अच्छी लगी है और फ़ोन को कूल रखती है, तो ये एक एडवांटेज है इस फ़ोन का। और फ़ोन की प्राइस की बात करें तो 29,999 से ये फ़ोन स्टार्ट होता है, इसका जो बेस वेरियंट है वहीं से स्टार्ट होता है, वो आपको फ्लिपकार्ट और रियलमी की साइट में आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों आखिरी में फ़ोन के बारे में मेरा जेन्यून ओपिनियन यानी मेरा कंक्लूजन जाने तो ये फ़ोन बहुत ही टासू बनाया गया है, अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो ये बेस्ट फ़ोन है मेरे हिसाब से, और बजट सेगमेंट में इससे अच्छा प्रीमियम और बहुत ही टासू परफॉर्मेंस वाला फ़ोन नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने इसका एक डिसएडवांटेज बताया कि कलर वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि उसकी अपडेट आ सकती है, अपडेट आ जाएगी उसके बाद में शायद ऑप्टिमाइज हो जाएगी वॉइस, लेकिन अगर ये फ्यूचर के लिए लेना है, बहुत ही अच्छा फ़ोन लेना है परफॉर्मेंस वाला, तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप नए हैं और लेटेस्ट के अपडेट सबसे पहले देखने और अगला गिव अवे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको अगले अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।